मेलोडी एंड हार्मनी, ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने पक्का सुने होंगे या कभी किसी वीडियो के थंबनेल पे देखे होंगे या डिस्क्रिप्शन में देखे होंगे। तो बट इन वर्ड्स का मतलब क्या है और आज के वीडियो से ये कैसे रिलेटेड है? तो जो मेलोडी है वो यूजुअली क्या है, सिंगल नोट्स। जब आप सिंगल नोट्स प्ले करते हो जैसे सी डी ई एफ जी स्केल के नोट्स, एक साथ नहीं सिंगल नोट्स, तो उनसे बनती है मेलोडी। और उसके बाद अगर आप मल्टीपल नोट्स एक साथ प्ले करते हो जैसे कॉर्ड्स सी मेजर डी मेजर या ई माइनर, जब आप ये कॉर्ड्स प्ले करते हो ये एक साथ जब आप स्ट्रम करते हो तो उसको बोलते हैं हारमनी। एक चीज़ और होती है जो इन दोनों के बीच में है, जो होती है आर्पेजियोस। तो आर्पेजियोस का क्या मतलब है कि आप नोट्स तो कॉर्ड के ही प्ले कर रहे हो लेकिन उनको एक साथ नहीं स्ट्रम कर रहे, बट आप उनको अलग अलग टाइम पे प्ले कर रहे हो। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो आज का वीडियो कैसे रिलेटेड है, आज हम ये देखेंगे कि हार्मोनाइजेशन कैसे किया जाता है, स्केल का, मेजर स्केल का हार्मोनाइजेशन कैसे किया जाता है और मेजर स्केल कैसे प्ले करना है, ये मैं अपने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो वाला वीडियो देखो, अंडरस्टैंड करो कि मेजर स्केल कैसे बिल्ड होता है। आज हम ये देखेंगे कि मेजर स्केल के जो कॉर्ड्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का वीडियो बिना गिटार के होने वाला है, मैं सब कुछ आपको आईपैड पे समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट करेंगे वो हम देखेंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं आईपैड पे या जो हमने लर्न किया है कि मेजर स्केल के कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, उनको गिटार पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोमैटिक स्केल जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था वो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, और उसके बाद फिर क्रोमैटिक स्केल से एक बार मैं फिर से रीकैप कर देता हूँ कि मेजर स्केल जो है वो कैसे फिगर आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर हम देखेंगे कि एक दो मेजर स्केल्स मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि उस फॉर्मूले से कैसे निकालना है, जस्ट एक रीकैप के लिए। और फिर फाइनली हम सी मेजर स्केल का एग्जांपल लेके ये देखेंगे कि उसके कॉर्ड्स कैसे निकालने हैं, और एक बार वो सीख लिया तो फिर कोई और स्केल्स को भी ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमैटिक स्केल जो है वो क्या है, क्रोमैटिक स्केल, राइट? तो क्रोमैटिक स्केल ये है सी से शुरू करेंगे रूट नोट, सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी शार्प सॉरी एफ जी जी शार्प ए शार्प डी और फिर वापस ऑक्टेव। ये 12 नोट्स हो गए जो क्रोमैटिक स्केल में होते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर मेजर स्केल निकालना है, मेजर स्केल, तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, वो होता है होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके सी मेजर स्केल निकाल कर देखते हैं। सी मेजर इज सी से रूट नोट, रूट सी सी टू डी इज होल डी डी टू ई होल होल, उसके बाद हाफ इज एफ हाफ होल 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 हाफ। तो ये अगर देखें तो ये हो गया होल, ये हो गया होल हाफ होल 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 हाफ। तो ये हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से हमने ये देख लिया कि सी मेजर स्केल कैसे निकालते हैं। एक क्विक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप, डिफिकल्ट तो नहीं बट उसमें ज़्यादा शार्प्स आते हैं। तो ई मेजर स्केल एक बार और देख लेते हैं। तो ई मेजर स्केल के लिए ई इज़ द रूट नोट, ई से एक होल स्टेप इज एफ शार्प होल होल हाफ होल 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 हाफ। तो ये हो गया होल स्टेप, ये हो गया होल, ये हो गया हाफ स्टेप, ये हो गया होल स्टेप होल होल हाफ। तो ये जो है मेजर स्केल का कॉन्सेप्ट हो गया ऑल टुगेदर, जो हमने लास्ट वीडियो में या एक दो पहले मैंने वीडियो किया उसमें से सीखा था। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि अब कॉर्ड्स कैसे निकालने, जैसे सी मेजर स्केल जो है उसके कॉर्ड्स कैसे निकालने। तो सी मेजर स्केल के जो नोट्स हैं वो है सी डी ई एफ जी ए।
तो अगर आपको किसी भी मेजर स्केल के कॉर्ड्स पता करने हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि आप हर एक नोट को एज रूट नोट मान लो। जैसे सी मेजर स्केल में आप, तो पहला जो रूट नोट है सी को मान लो, ठीक है, सेकंड रूट नोट डी को मान लो, फिर ई को मान लो, सबको रूट नोट, एक एक नोट्स को रूट नोट मान लेते हैं। उसके बाद बाकी के जो नेक्स्ट दो नोट्स हैं वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनली एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सी मेजर कॉर्ड है इट्स अ ट्रायड, उसमें तीन नोट्स होते हैं। ऐसे ही मेजर सेवन कॉर्ड जो होती हैं उसमें चार नोट होते हैं, राइट। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ट्रायड्स का कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ मेजर कॉर्ड। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फिगर आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी डी ई एफ जी ए बी, ये मैंने फिर से लिख दिया है जो भी मेरे रूट नोट्स हैं, राइट। अब सी से अगर मुझे कॉर्ड फिगर आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, वन टू और थ्री, एक एक नोट अगर आप देखोगे तो मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है, इसको छोड़ दिया है। तो ये जो है मेरी फर्स्ट कॉर्ड आ गई, सी डी सॉरी सी ई और, तो मैंने इसको और इसको छोड़ दिया है, तो वन टू थ्री सी ई जी, ये हो गई फर्स्ट कॉर्ड। सिमिलरली अगर मैं डी को रूट नोट मानूंगा तो अब डी जो है वो मेरा रूट नोट हो गया, तो डी एक छोड़ा एफ, फिर एक और छोड़ा ए। ऐसे ही अब मैं एफ ई को रूट नोट मानूंगा तो ई के बाद एक छोड़ा जी, फिर जी से एक छोड़ा बी। अब ऐसे ही एफ को अगर मानेंगे तो एफ ए सी, फिर जी, जी के बाद एक छोड़ा बी, फिर बी के बाद सी छोड़ा तो डी, ऐसे ही ए सी ई ए के बाद, और फिर बी डी एफ बी डी और एफ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट आपने रूट नोट फिगर आउट कर लिया, उसके बाद एक नोट आपने छोड़ दिया, फिर दूसरा नोट फिगर आउट कर दिया, फिर आपने एक नोट छोड़ दिया, फिर तीसरा नोट फिगर आउट कर दिया। ऐसे करके मैंने सारे जितने भी मेरे कॉर्ड्स हैं ये सारे कॉर्ड्स उस स्केल के फिगर आउट कर लिए। तो जैसे सात नोट्स होते हैं स्केल के अंदर, मेजर स्केल के अंदर, वैसे ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक नोट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉर्ड हो गया आपके पास, जो कि मेजर भी हो सकता है माइनर भी हो सकता है। बट अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉर्ड मेजर है और कौन सा कॉर्ड माइनर है, उसका एक और फॉर्मूला है, तो अब हम वो फॉर्मूला। तो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो है ये, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश। तो ये अगर फॉर्मूला याद रखोगे आप तो आप किसी भी स्केल के कॉर्ड्स फिगर आउट कर सकते हो कि क्या है। तो अभी तक हमने इन कॉर्ड्स के नोट्स तो फिगर आउट कर लिए, अब ये देखना है कि वो मेजर है कि माइनर है। तो पहला जो कॉर्ड है सी ई जी, पहला कॉर्ड सी ई जी वो हुआ मेजर, राइट, ये मेजर के हिसाब से। उसके बाद जो दूसरा कॉर्ड है डी एफ ए वो हुआ माइनर, उसके बाद ई जी बी ये भी हुआ माइनर, उसके बाद एफ ए सी मेजर, जी बी डी मेजर, ए सी ई माइनर, और फिर बी डी एफ हुआ बी डी एफ जो हुआ डिमिनिश। तो ये जो कॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो जो फॉर्मूला हुआ हुआ वो हुआ मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो अब आपको पता चल गया कि सी मेजर स्केल में क्या कॉर्ड होती है, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिश। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने फिगर आउट कर लिया कि किस कॉर्ड किस स्केल के अंदर या किस मेज किसी भी मेजर स्केल के अंदर क्या कॉर्ड्स हैं। अब होगा क्या, इनिशियली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सीखने के लिए कि कॉर्ड्स कैसे फिगर आउट करें, आपको टाइम भी लगेगा, बट धीरे धीरे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि कौन से स्केल में क्या कॉर्ड्स होती हैं।
और उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं पार्ट टू में बताऊंगा कि डायरेक्टली गिटार पे कैसे फिगर आउट करना है कि क्या कॉर्ड्स हैं, वो कुछ विजुलाइजेशन टेक्निक्स हैं या सिंपल ट्रिक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फिगर आउट किए, वो कुछ ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि सेकंड पार्ट होगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अभी तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम क्या करते हैं, सी मेजर स्केल के लिए हमने कॉर्ड्स देख लिए हैं, अब ऐसे ही एक और स्केल ट्राई करते हैं और देखते हैं उसके कॉर्ड्स, ई मेजर स्केल के भी कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो ई मेजर स्केल, जो ई मेजर स्केल है, ई मेजर वो स्केल क्या होगा, ई एफ शार्प जी शार्प ए बी सी शार्प डी शार्प ई। तो जैसे आप देख रहे हो अभी तो मुझे फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओवर द टाइम जब आप बार बार उस चीज़ को प्ले करते रहोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि किस स्केल में क्या कॉर्ड्स हैं या क्या नोट्स हैं। हो सकता है मुझे सारे स्केल्स के लिए नहीं पता है, लेकिन कुछ स्केल्स के लिए जो मुझे कॉर्ड्स हैं वो पता है, वो मुझे याद हो गए उसके नोट्स, क्योंकि मैं वो मैं या तो बोल सकता हूँ मेरे फेवरेट स्केल्स हैं या मैं उनको ज़्यादा प्ले करता हूँ। तो ये चीज़ ओवर द टाइम आप भी सीख जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हम सारे रूट नोट्स लिख लेते हैं, ई एफ शार्प जी शार्प ए डी सी शार्प डी शार्प 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली जो कॉर्ड होगी वो फर्स्ट ई या एफ शार्प छोड़ा जी शार्प एंड जी शार्प के बाद बी। सेकंड जो कॉर्ड है वो है एफ शार्प ए एंड सी शार्प। थर्ड जो कॉर्ड है वो है जी शार्प बी, जी शार्प बी एंड डी शार्प। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो है ए सी शार्प डी शार्प ई। फिर जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो है बी डी शार्प एंड एफ शार्प। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉर्ड है वो है सी शार्प ई एंड जी शार्प। और फिर जो फाइनल कॉर्ड है वो है डी शार्प एफ शार्प एंड ए। तो ये हो गई सारी कॉर्ड्स। उसके बाद जो फॉर्मूला है मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर डिमिनिश, इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो कॉर्ड पहली कॉर्ड जो होगी ई जी शार्प डी इज मेजर, फिर एफ और एफ शार्प ए सी शार्प माइनर, फिर जी शार्प बी डी शार्प माइनर, उसके बाद ए सी शार्प ई मेजर, फिर बी डी शार्प एफ शार्प मेजर, इसके बाद सी शार्प ई एफ शार्प माइनर एंड फाइनल कॉर्ड डी शार्प एफ शार्प ए दिस इज डिमिनिश। तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी स्केल के कैसे भी करके कॉर्ड्स निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगेन हो सकता है ये बोरिंग लगे, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक दो बार तीन चार बार करके देखोगे तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसको गिटार पे कैसे अप्लाई करना है, और अगेन जैसे मैंने बोला मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लो विजुअलाइजेशन की हेल्प से। सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, कीप प्लेइंग कीप लर्निंग, बाय।